आज की जो आप लुक सीखने वाले हो वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया ब्राइडल लुक, रॉयल ब्राइडल लुक आप सीखने वाले हो जैसे कि आप देख रहे हो। उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ और उसको फॉलो करो, आपको बहुत सारे लुक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ मतलब बहुत सारा ज्ञान आपको वहाँ पर मिलने वाला है। सारी अपडेट, कौन सी क्लासेस कब हैं, बहुत ही या कोई गिव अवे एनीथिंग, आपको बहुत मतलब सब कुछ, आपको एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो अभी शुरू करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी लुक के बाद, और उसको आपको करना है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि हल्का सा विंटर का सीज़न है और इनकी जो स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी, तो इसीलिए ड्राइनेस को हटाने के लिए मैं एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, अपना एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा लगता है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको कंफर्टेबल लगता है, वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, आपको कोई भी जेल बेस्ड तो नहीं लगाओगे, थोड़ा सा लोशन या थोड़ा सा क्रीम बेस्ड लगाना जिससे जो स्किन है हमारी नरिश रहे। ऑयल वगैरह मैं बिल्कुल ही अवॉइड करके चलता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपने आई मेकअप के साथ। तो आई मेकअप को हम क्या कर रहे हैं, जब भी ब्राइडल आती है ना, पहली बात तो डरना नहीं है, बहुत ही इजी लेना है, और ब्राइडल लुक बहुत ही इजी होती है और सबसे जल्दी हो जाती है। आपको एक रियलिटी पता होना चाहिए, पार्टी मेकअप में हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी फिर करनी पड़ती है, ब्राइडल में इतनी क्रिएटिविटी नहीं रहती है, वो सबका बेसिक ही चलता है, तो इतनी कोई डरने की बात नहीं। वापस ब्राइडल आ गई तो क्या करें, आप जैसे कि देख रहे हो मैंने एक सबसे पहले ब्राउन स्मोकी सा आई मेकअप क्रिएट कर लिया और अपनी पेंसिल को हल्का हल्का समझ कर लिया, तो इसमें तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था जो भी मैंने अभी तक किया है। हल्का सा देखो, इतना सा भी अगर मैं आई मेकअप छोड़ूंगा ना तो कितना प्यारा लग रहा है। जस्ट दो शेडो लगाई, उसके बाद ब्लैक पेंसिल लगाई, उसके बाद मैंने अपने ब्लैक कलर को स्मज कर लिया, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी नहीं। बट इसके बाद हमने क्या करा, थोड़ा सा अपना शिमर उठाया और अपने जो सेंटर ऑफ द आई मेकअप में हल्का हल्का हमने स्पार्कल कर लिया। अब इतना सा छोड़ दो तो भी अच्छा है, बट बच्चों की डिमांड थी हमने सर ग्लिटरी भी करना है, तो थोड़ा सा ग्लिटर लगाना है तो सेंटर सेंटर में लगा लो ना यार, क्या चक्कर है, फिर क्या, थोड़ा सा ग्लिटर भी अच्छा लगता है। और ब्राइडल, अगर एक ब्राइड के आपने ग्लिटर लगा दी और आपके पास उसी टाइम पे पांच ब्राइड्स हैं, तो आपको पांचों पे ग्लिटर लगानी पड़ जाती है। बहुत रेयर होता है कि ब्राइड रिजिड हो कि मेरे को मैट या शिमरी रखना है, क्योंकि सबको लगता है कि ग्लिटर वाला आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, जो डेफिनेटली लगता है, बट जो मैट एंड शिमरी आई मेकअप होते हैं उनकी अपनी सेपरेट लुक होती है। बट चलो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा जो आई मेकअप है वो हो चुका है कंप्लीट और हमने लेंसेज बहुत ही सुंदर अच्छे से डाले हुए हैं। और ब्राइडल पे आपको लगाना है अच्छी तरह से प्राइमर, प्राइमर आप स्मैश बॉक्स फॉरएवर 52 रीकोट फेसेस कोई भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। और मैंने अच्छी तरह से स्किन पे मर्ज किया प्राइमर को और अच्छी तरह से मैं लगा रहा हूँ करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर में आपको पता है मैं कौन से यूज़ करता हूँ, एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर, आप रीकोट का भी यूज़ कर सकते हो, मैक का भी यूज़ कर सकते हो, सभी इक्वली गुड है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले आप डेफिनेटली यूज़ करो। अभी मैंने फॉरएवर 52 का 07 शेड लिया है और अच्छी तरह से मैं कंसीलर से न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ अपने फेस को और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ऑल ओवर द फेस। तो मैंने अपने सिनोरा के ब्रशेज लिए और उसमें जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है उसे अच्छी तरह से ऑल ओवर द फेस मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे फेस पे डिसकलरेशन है मॉडल के फेस पे वो अच्छी तरह से इक्वल हो जाए और मेरे को फाउंडेशन के बाद कोई भी दिक्कत ना हो या ग्रेनेस या कोई भी डार्कनेस ना रह जाए। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैं अपनी फेवरेट फाउंडेशन नार्स की फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ ऑल ओवर द फेस और उसे अच्छी तरह से मैं डैब कर रहा हूँ। आप कॉर्नर ना भूल जाते हो, नोज़ के कॉर्नर, आईज़ के कॉर्नर, लिप्स के कॉर्नर या चीक बोन के नीचे आप कई बार भूल जाते हो, नोज़ के नीचे भूल जाते हो, लिप्स के नीचे भूल जाते हो, तो वहाँ पर फाउंडेशन पहुँचती नहीं है। फिर क्लाइंट जब बाद में पॉइंट आउट करता है फिर हमारे पास कुछ नहीं रह पाता, कई बार हम उसे इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो इन चीज़ों पर आपको पहले ही चेक रख के करना है। अभी हम लगा रहे हैं कंसीलर, तो हमने कंसीलर अच्छी तरह से डैब करा फॉरहेड पे, अंडर आइज पे, लिप्स पे, नोज़ पे, हर जगह से हमें डैब करना है, फेस को हाईलाइट करना है, थोड़ा सा फेयर टच रखना है, बहुत ज़्यादा चिट्टा चिट्टा मेकअप नहीं करना। जब आपने चिट्टा चिट्टा मेकअप करता है तो फिर ओहो पंजाबी से शुरू हो गया मैं, अगर आपने चिट्टा चिट्टा मेकअप कर दिया तो उससे क्या होएगा, बहुत ज़्यादा वो फेयर लुक लगेगा, बॉडी से अलग लगना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखो कि नेक बेस भी आप साथ साथ कंप्लीट कराओ, और जब भी अपनी ब्राइड को अपना फेस दिखाओ फुल, वो विद नेक बेस दिखाओ, ताकि उन्हें ज़्यादा डिफरेंस ना लगे और वो एकदम से हैरान परेशान ना हो जाए। तो हमने अभी करा क्रीमी ब्लश और क्रीमी ब्रॉन्जर, फेस को एक लुक दी, फेस पे कलर लेके आए और अच्छी तरह से अंडर आइज को सेट किया, अराउंड द माउथ सेट किया, और अभी हम करने लगे हैं पाउडर सेटिंग। तो पाउडर सेटिंग अभी हम कर रहे हैं शनैल पाउडर और अच्छी तरह से हम सेट कर रहे हैं अंडर आइज, अराउंड द माउथ,
और अंडर आईज पे देखो, मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर रख के चलता हूँ ताकि कोई भी क्रीजेज वगैरह ना बने। बट ना जी, हमने तो रखना ही नहीं है। आप सेम स्टेप करोगे ना, आपको अपने मेकअप में बहुत इंप्रूवमेंट लगेगी, बट आप रखते नहीं हो, करते नहीं हो, लेट गो कर देते हो, चलो कोई बात नहीं। बट आप जितना मेकअप फिनिशिंग से करोगे, उतना आपको वो फिनिश बैक देगा, उतना आपको फीडबैक देगा, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, और एंड तक मेकअप को कुछ भी नहीं होएगा, कोई भी पैचेस वगैरह के चांसेस नहीं बनेंगे। तो मैंने अपना लिया कलर एसेंस का ब्रॉन्जर, जो कि बहुत ही बढ़िया और चीपेस्ट ब्रॉन्जर है और बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है। फॉरहेड, चीकबोन, नोज अच्छी तरह मैंने कवर किया, ब्लेंड किया, और अभी मैं लगा रहा हूँ पाउडर ब्लश, और चीक्स को अच्छी तरह से ब्लशी लुक दे रहा हूँ, और फेस को कर रहा हूँ हाईलाइट, क्योंकि भाई ब्राइडल है तो वो ग्लो तो पूरी करनी चाहिए। चिन एरिया पे, नोज एरिया पे अच्छी तरह से मैंने हाईलाइट किया, और आप देख रहे हो जो फेस पे ग्लो है वो कितना अच्छा और कितना नेचुरल लग रहा है। तो मैंने हल्का सा काजल लुक देने की कोशिश करी और पतला पतला काजल लगाया और उसे अच्छी तरह से स्मज कर रहा हूँ अंडर आईज पे। ज़रूरी नहीं आपको मोटा मोटा करना है, पतला पतला करो, बहुत अच्छा लगता है, ट्राई तो करो। सेम मैंने दूसरी आईज पे किया और अच्छी तरह से स्मज करा, थोड़ा नीटनेस बना के चलनी है। और मैंने हल्का हल्का कॉर्नर पे काजल दिया, अब वो मस्कारा वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छी तरह से मस्कारा करना है। मेबेलिन क्लॉसर मस्कारा यूज़ कर रहे हैं और डाउनवर्क में हम फैशन कलर का मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। आप फेरा रुशी का भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा हमने विंग लुक दिया, आप अवॉइड भी कर सकते हो, विंग लुक कर भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपने अवॉइड करना है कैसे करना है। थोड़ा मैंने से आईज़ को शार्प किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट, जिससे हमारी आईज़ की बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और मैंने अपनी लगाई सिनोरा की हैवी लैशेस, और लुक देखो और बताना मेरे को कि आपको कैसे लग रही है। यार जो हम आपको सिखाते हैं ना, वो आप एक बारी प्रैक्टिस करके तो देखो, सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आपको मज़ा आएगा यार, रिजल्ट आपको खुद भी खुद दिखेगा। इतनी सारी वीडियोज़ हैं आपके लिए, मतलब इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट सिखाते हैं, आप घर पे बैठे मेकअप भी सीख सकते हो। बट हाँ, अगर आपको तसल्ली नहीं होती है, ये उन बच्चों के लिए है जिसको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट अगर कोई बिगिनर है तो वो हमारे स्टूडियो पे आके सीख सकता है पर्सनली। आप मेरे पेज पे डीएम कर सकते हो, आपको सारी नॉलेज मिल सकती है। तो हमने लिप कलर भी कुछ मैचिंग सा लगाया और आप देख सकते हो फुल लुक कितनी ग्लोई ड्यूई और कितनी नेचुरल, बहुत ही मज़ेदार लुक आ रही है। और बिंदी लगाने के बाद तो भाई चार चांद लग चुके हैं। तो ऐसे ही मेरी YouTube चैनल को आप क्या करना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना और प्यार देते रहना, और कमेंट करके बताना आपको लुक कैसी लगी। बाय बाय।